भाई ये देख लो, जम्मू की आखिरी चाय पी रहे हैं अब हम। तब भी लगा लो हालत नहीं खराब है, सब भीग चुका है। बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है इस टाइम तो, बहुत ज्यादा। क्या फटका लगा कल में? 4,000 का फटका लग गया। कल में करा भी कुछ नहीं, बट हमें 4,000 का फटका लग गया। हेलो जी, क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग आप सबको, और आपका स्वागत है अपने चैनल द ढिल्लन साहब पे, और राम राम हम सभी भाइयों को। तो मेरे भाई, जैसे कि आप जानते हैं, हम निकले हैं देहरादून टू लद्दाख राइड के लिए, जो कि हमारी ड्रीम राइड है। तो आज हम कहाँ थे? आज हम जम्मू में। आप अगर पहले के व्लॉग अभी देखे होंगे तो हम जम्मू में अभी स्टे कर रहे हैं। आज हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए, और असली राइड ये समझ लो आज से ही स्टार्ट होगी। तो आज एडवेंचर पता क्या हो रहा है? 2 दिन से एडवेंचर हमारे साथ क्या हो रहा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ये देखो, आप पहले देख रहे हो, 2 दिन से बारिश हो रही है और बहुत तेज है। आज पूरे दिन बारिश दे रखी है, कल भी हम बारिश की वजह से नहीं जा पाए। ये अपना गुरुद्वारा जहाँ हम रुके थे। तो मेरे भाई आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली 2 दिन से कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज हम निकलेंगे ही। और आप यकीन नहीं मानोगे, कल हमें कितने का फटका लगा? कल हमें 4,000 का फटका लग गया। कल हमने करा भी कुछ नहीं, बट हमें 4,000 का फटका लग गया। वो कैसे लगा मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, टेंशन ना ले। पहले आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा 4,000 का सौदा भाई। ये आपको दिखाया जाएगा वीडियो के लास्ट में, आप यकीन नहीं करोगे। हम इतने मतलब परेशान नहीं है, बट जैसे जैसे आप राइड पे निकलते हो, कुछ चीज़ें क्या होता है जो हम सोच के आते हैं वो होती नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज होती जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ब्लॉग को पूरा देखा करो, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है रास्ते में। तो मेरे भाई ब्लॉग को देखो, जितना हो सकता है फैला देना। और आज हम निकलेंगे कश्मीर की राइड पे, और आज बहुत मज़ा आने वाला है, असली एडवेंचर समझ लेना आज से स्टार्ट होगा। तो मेरे भाई बस वीडियो का नाम बने रहो और चलते हैं। भाई ये देख लो, जम्मू की आखिरी चाय पी रहे हैं अब हम, आगे तो पियेंगे। ये है अपना जम्मू, देख लो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं सीधा कश्मीर में। ठीक है मामा, फिर भाई मामा ने बड़ी सेवा की है यार, आप जल्दी आना मामा, पहुंचते हैं अपना। ठीक है भाई, जल्दी मिलते हैं आपसे। बाय बाय कश्मीर कह रहा, जम्मू का आखिरी है। भाई लोग, भाई देखो, कोल्ड स्टार्ट हमने कर लिया है, और ये बैग पैक कर लिए, और ये भाई अपना रेनकोट पहन रहा है, मैं भी अभी पहनूंगा। ये भाई ने पूरा बैग पूरा पैकअप कर लिया। बाकी वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, हे बाबा मेहर बना के रखना। निकलते हैं, जैसा भी होगा अपने बाबा की मेहर है। तो मेरे भाई अब निकलते हैं, और सही बताऊँ बारिश आ रही है, अब देखते हैं आज का दिन कैसा होना। वैसे रेनकोट वगैरह हमने ले लिए हैं, तो आगे देखते हैं क्या सीन होगा, बस बारिश ज़्यादा ना हो। ठंड तो एक बार झेल जाएगा इंसान, पर बारिश ज़्यादा ना हो। तो ठीक है चलते हैं, और फिर मिलते हैं। ठीक है पापा, सत श्री अकाल। तो फाइनली भाई लोग हम निकल चुके हैं कश्मीर के लिए, आई एम वेरी एक्साइटेड। और हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं 4,000 का फटका कहाँ लगा, हमने लिए थे रेनकोट्स, हम रेनकोट लाना भूल गए थे, क्योंकि यहाँ रेनकोट के बिना काम नहीं है। और ये रेनकोट क्या काम करता है मैं दिखाता हूँ, क्यों हमें 4,000 के पड़े, तो आप ये आगे देखना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पड़ रही है बारिश में ठंड काफ़ी, और हवा बहुत तेज चढ़ी, तो ये रेनकोट जो है हवा रोकने का भी काम करेगा, और बारिश से पानी रोकना आपको पता ही है। और महंगा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर भाई है। भाई जो पहला स्टॉप है वो लिया हमने कटरा के मोड़ पे, ये देखो कटरा दिख रहा है, इस तरफ लेफ्ट की तरफ जाओ कटरा है। अब एक काम करेंगे यार, एक तो ना ठंड काफ़ी लग रही थी, तो मैंने जैकेट भी उतार रखी थी, रेनकोट पहना था, अब उसके अंदर जैकेट वगैरह पहन लेते हैं। मौसम जो है देख रहे हो आप, कितना कातिलाना हो रहा है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, पर कोई नहीं। बाकी अभी हमने चाय और हमने पकौड़े ऑर्डर किए हैं, यहाँ पर जो मिला ये आ गए भाई के पकौड़े। पकोड़े अब पकोड़े वगैरह खाते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं।
भाई क्या हाल है सबके, हम दोबारा आ चुके हैं। पंगा क्या हुआ कि हम श्रीनगर अभी पहुंचे नहीं, बट सीन क्या हुआ कि बारिश होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से अभी भी श्रीनगर 100 किलोमीटर दूर है, आप यकीन नहीं मानोगे। हाथ की हालत देखो कैसी होगी, और हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। तो भाई बारिश बहुत तेज़ होती है, 100 किलोमीटर दूर। हमने सोचा कि यहाँ से भाई अभी एक काम करते हैं, यहाँ रुक ही जाते हैं। तो भाई हम, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह, अभी हम रास्ते में रुके हुए, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये सारे कपड़े भीग चुके हैं, वो तो रेनकोट पहना होता ना ऊपर, तब भी डालो हालत नहीं ख़राब है, सब भीग चुका है। बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा है इस टाइम तो, बहुत ज़्यादा। आपको दिखाऊँ अगर ये खिड़की खुलती हो, एक मिनट जो ये देखो आवाज़ आ रही होगी ना अगर, तो बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो मेरे भाई बारिश हो रही है बहुत तेज़, एक काम करते हैं पहले चेंज वगैरह कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। फिर खाना वाना खाएंगे, फिर आपसे बात होगी, ठीक है। पहले चेंज वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो भाई लोग हम लोग रेडी हो चुके हैं, रूम कुछ इस तरह है, देख लो आप रूम की कंडीशन कैसी है। लकड़ी का फ्लोर है पूरा, ये वुडन है, ये टीवी पुराने जमाने का, भाई खाना खाएगा ऊपर नहीं आता हूँ खड़ा लेके। ये देखो हमारा सामान कैसे बैठ रखा है भाई, ये रख रखे हैं, लगा दे कुंदा ही लगा दे फिलहाल, यहाँ कोई नहीं आ रहा फिलहाल। तो ये कुछ ऐसी जगह है, देखो ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा वुडन का है, लकड़ी का काम हो रखा नीचे, देखो ये पूरा मैट मूट लगा रखा इन्होंने ना, ये कुछ इस तरह का है। चल भाई चल, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कच्चा पहन रहा, पूरे कपड़े गीले हो गए भाई। अरे वो इसलिए कह रहा ना, पता नहीं था, मैं कह रहा नीचे आराम से बैठे खा लेंगे ना, देखते हैं क्या चीज़ मिलता है। फिलहाल आपको होटल दिखाया, जैसा भी रोड खाना खुना खाते हैं, फिर देखते हैं। और कल देखते हैं यार, कल मौसम सही हो जाए, बारिश देखो आप कितनी तेज़ पड़ रही है यार, देख रो देखो बारिश पड़ रही बहुत तेज। मामा जी कह रहे यार तुमसे तो लगाव हो गया, मेरा मन सही लग रहा। क्या कह रहा क्या कह रहा, ठंड लग रही गर्मी होगी, गर्मी आवे जुगरमान तो दिए, बर्फ नहीं पड़ी। सेवन स्प्रिंग्स हम कल दो दिन से हम नहीं फंसे रहे थे, फिर हम ले गए रेनकोट, भाई रोटी चलती है भाई। तो भाई हम हैं क्या, कौन सी जगह पर, बैनिहाल में, बैनिहाल हम होटल में हैं, एवन होटल में, एवन होटल है, काफ़ी बढ़िया होटल है, मैंने आपको अभी दिखाया। तो फाइनली खाना खाने का टाइम है, बहुत ठंड लग रही है, तो खाना हमने गरम गरम मंगाई है, मिक्स दाल, अंडे की भुर्जी, और कुछ मंगाया तुमने? फिलहाल तो ये मंगाया भाई, क्योंकि नॉर्मल खाना बढ़िया खाना, और थोड़े चावल ही मंगाया, चावल के बिना बात नहीं बनती भाई। खाना ले लिया, खा के देखते हैं कैसा है, फिर बताता हूँ आपको टेस्ट। बढ़िया यार खाना, क्यों कैसा लगा खाना? बढ़िया खाना खा के मिलता, ठीक है। हो तो मेरे भाई खाना वाना खा लिया, ठीक है, चाय पी ली, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा यार, सही बताओ तो। ये देखो तो भाई खाना खा लिया, चाय पी ली, और अच्छे से खाया खाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा बहुत हो रहा है। बस ये है कि कल सुबह बारिश रुक जाए तो प्लान ये है कि हम यहाँ से 8 बजे तक निकल लें श्रीनगर के लिए। अगर सुबह बारिश नहीं हो तो 8 बजे से पहले 8 बजे तक हम लोग निकल लेंगे, ठीक है। फिर श्रीनगर स्टे करते हैं, आपको श्रीनगर दिखाते हैं कि क्या हमारी जर्नी होने वाली है श्रीनगर में, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है, दोनों सोते हैं, फिर कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तो ठीक है मेरे भाई, आप सबको राम राम और गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। ओके बाय।